2019 का चुनाव पूरा यहाँ इस पे राजनीति हो रही है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो पकौड़े तलता है वो भी एक रोजगार है। तो अब जाहिर सी बात है कि अब ये पकौड़े देश का भविष्य तय करेंगे। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा। अब सबसे पहले देखना ये होगा कि क्या वाकई में पकौड़े तलना क्या एक रोजगार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो रोजगार पैदा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव नज़दीक आ चुके हैं। अभी आपने इससे पहले देखा होगा कि एक शख्स पकौड़े तल रहे थे। मैं उन्हीं से बात करूंगा, उनसे बात करके जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप पकौड़े तल रहे थे, क्या आपने किया है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस बात से आप खुश हैं कि वो कहते हैं कि पकौड़े तलने से जो है वो देश का भविष्य है, बड़ा रोज़गार है? जी नहीं, पकौड़े तलने से कोई रोज़गार बड़ा नहीं है। बस ये तो अपने रोज़गार बनाना पड़ा कि पकौड़े, मोदी जी कह रहे हैं कि पकौड़े तलो, तो हम लोग वही कर रहे हैं कि पकौड़े तल रहे हैं। बिल्कुल, मोदी जी ने कहा है तो अब जाहिर सी बात है कि लोग पकौड़े तल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी देखने की बात यह है कि 2019 लोकसभा चुनाव का मुद्दा इस वक्त पकौड़े पे हो चुका है। कोई चौकीदार चोर है का नारा लगा रहा है, तो कोई कह रहा है कि मैं भी चौकीदार हूँ। तो अब देखना ये होगा कि वाकई में क्या मैं भी चौकीदार और चौकीदार चोर है में कौन जीत पाता है। फिलहाल दिल्ली 6 का मूड हम जानने निकले हैं, लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। लोगों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर गुस्सा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कोई भी विकास नहीं कर रहे हैं। और भी लोगों से बात कर लेंगे, यहाँ पर लोग मौजूद हैं। पीएम मोदी के 5 साल के कार्यकाल से आप खुश हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 5 साल के कार्यकाल में हम खुश नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी वादे किए थे, हर साल 2 करोड़ की नौकरी देंगे, वो हमें नहीं मिली। दूसरी बात से विकास की मुद्दे में उन्होंने बहुत सारे बातें कही थी, कुछ नहीं मिली। और नोटबंदी के दौरान उन्होंने बहुत लोगों को परेशान किया, खामा खाए। हम लोग बहुत परेशान हैं नोटबंदी के दौरान, मगर सिर्फ गरीब आदमी जो मीडियम श्रेणी के लोग हैं, क्लास के लोग हैं, वो परेशान हुई। बाकी जो पैसा वाला लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो परेशान नहीं हुए। इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी से जो ने जितना भी उन्होंने वादे किए, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को हम वाकई राहुल गांधी जी को हम प्रधानमंत्री के रूप से देखना चाहता हूँ, क्योंकि राहुल गांधी जो वादा कर रहा है, जो राफेल मामला की घोटाला राहुल गांधी ने खुद ही पकड़ लिया है, इसलिए हम 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप से देखना चाहता हूँ। बिल्कुल, दिल्ली 6 का मूड इस वक्त यही है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। और राहुल गांधी को अभी हमने देखा कि जामा मस्जिद के गेट के सामने राहुल गांधी बात के नारे लग रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोग खुश नहीं हैं। अब फिलहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जब 23 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे और फिर देश को एक नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा। अब वो देश का प्रधानमंत्री कौन होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए हमारा, और हम फिर खा लेते हैं पकौड़े, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि पकौड़े तलिए तो रोजगार होगा। नमस्कार।